हेलो नमस्कार, वेलकम टू इंकलकेट लर्निंग। मैथेटिक्स प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन के बारे में आज हम बात करेंगे। डिटेल में होता क्या है, काफी जगह इंपॉर्टेंट है। स्पेसिफिकली यूजीसी नेट एजुकेशन में जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। सो पता होना चाहिए कि होता क्या है। डिटेल में आज हम बात करेंगे, आपको इसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप आराम से सोल्व कर पाएंगे। इसके अलावा एजुकेशन के नेट के अलावा अगर कहीं पे आपके किसी भी सब्जेक्ट में, यानी कि कई बार होता है ना कि एजुकेशन में आप जहां भी होते हैं, बीएड हो, एमएड हो, कहीं पे भी, चाहे एमए एजुकेशन हो, सो ये जो वर्ड अगर कहीं मेंशन है तो उसके लिए भी ये वीडियो जो है आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। अगर आपको वीडियोस इंफॉर्मेटिव लग रही हैं, सो लाइक शेयर सब्सक्राइब इनकलकेट लर्निंग को करना मत भूलिए। आप लोग देखते हैं वीडियो बट शायद लाइक करना भूल जाते हैं, तो लाइक कीजिए, ठीक है। और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इनकलकेट लर्निंग को सब्सक्राइब कीजिए, इट विल बी हेल्पफुल। चलिए शुरू करते हैं। थॉमस एफ गिलबर्ट ने इसको दिया था, ये नाम आप नहीं भूलेंगे, आपको याद रखना है। ग्रीक वर्ड से जो कि मैथिन है, वहां से उसका मतलब होता है लर्न, सीखना। सो वहां से ये वर्ड आया है मैथेटिक्स। एक अगर इसको डिफाइन करने की कोशिश करें तो ये सिस्टमेटिक एप्लीकेशन होगी किसकी, रेनफोर्समेंट थियरी की। यानी कि हमें क्या करवाना है, जैसे हमने स्किनर में पढ़ा था ना पनिशमेंट रेनफोर्समेंट, सो वैसा ही कुछ लगा लीजिए, हमें स्ट्रेंथन करनी है कोई भी चीज या कोई भी कॉन्सेप्ट, ठीक है, रेनफोर्स करना है। सो रेनफोर्समेंट थियरी की सिस्टमेटिक एप्लीकेशन हम इसको बोल सकते हैं। दूसरा, ये किस पे फोकस करते हैं, ये मास्टरी के ऊपर फोकस करते हैं कि उस सब्जेक्ट में मास्टरी कैसे हासिल होगी। कनेक्टिविस्ट थियरी ऑफ लर्निंग पे ये बेस्ड है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार कि कौन सा इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम जो है वो कनेक्टिविस्ट थियरी से रिलेटेड है या रेनफोर्समेंट थियरी पे बेस्ड है या रिवर्स चेनिंग का अप्रोच है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी कि मैथमेटिक्स प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन जो है उसमें कनेक्टिविस्ट थियरी आएगी और रिवर्स चेनिंग का प्रोसेस है। चेनिंग मतलब हम फर्स्ट स्टेप से सेकेंड पे गए, सेकेंड से थर्ड पे गए, ये चेन बन गई एक, ठीक है, थर्ड से फोर्थ पे, तो ये कंटिन्यूटी में चेन बन गई। अब चेन में क्या होगा कि हम पहले ये स्टेप समझा रहे हैं, फिर हम ये थर्ड स्टेप समझा रहे हैं, फिर सेकंड एंड देन फर्स्ट, सो ये क्या हो गया, चेनिंग तो है बट ये रिवर्स चेनिंग है, ठीक है। सो ये रिवर्स चेनिंग का प्रोसेस रहेगा। इट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ चेनिंग, हमने बता दिया चेनिंग में रिवर्स चेनिंग, प्रिंसिपल ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एंड जनरलाइजेशन, ये आपको अभी समझ आएगा जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे। इसमें कुछ एक अजम्पशंस मान के चल लेते हैं हम। पहली है, चेनिंग ऑफ रिस्पॉन्सेज हेल्प्स इन लर्निंग टू रीच अप टू मास्टरी लेवल। सो ये चेनिंग की जो हम बात कर रहे हैं ना कि हमने वन से सेकंड पे गए, सेकंड से थर्ड पे गए, और उसमें भी हम मैथमेटिक्स में बात कर रहे हैं रिवर्स चेनिंग की। सो ये मानते हैं, ये इस चीज को लेके चलते हैं कि जैसे जैसे रिस्पॉन्स होंगे ना इस चेनिंग का, यानी जो चीज आप समझा रहे हैं उसका जो रिस्पॉन्स है, सो एक मास्टरी लेवल तक पहुंचने में ये हेल्प करेगा। रिवर्स चेनिंग ऑफ स्टिमुलाई हेल्प्स इन लर्निंग फ्रॉम होल टू पार्ट और कॉम्प्लेक्स टू सिंपल। सो अगर हम फर्स्ट से सेकंड पे जाते, यानी हम बेसिक से एडवांस की तरफ मूव करते, तो वो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स होता। यहां पे हम क्या कर रहे हैं, हम एडवांस लेवल की चीज पहले बता रहे हैं, तो कॉम्प्लेक्स टू सिंपल जा रहे हैं हम, उल्टा जा रहे हैं यहां पे, या होल से पार्ट की तरफ जा रहे हैं ये मान के चलिए। कंप्लीशन ऑफ टास्क प्रोवाइड्स मोटिवेशन टू स्टूडेंट्स, जैसे ही वो टास्क कंप्लीट कर लेंगे तो एक मोटिवेशन जो है उनमें आएगा कि वो कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जहां से क्वेश्चन आता है वो है इसका फ्रेम, फ्रेम का स्ट्रक्चर कि कैसे समझाएंगे आप। ये तो हमने बता दिया कि हम मास्टरी लेवल अटेन करना चाहते हैं, मास्टरी के साथ साथ हमने ये बता दिया कि हम कॉम्प्लेक्स से सिंपल की तरफ जाएंगे, ठीक है, या होल से पार्ट की तरफ जाएंगे, कि हम पहले पूरी प्रॉब्लम सॉल्व करवाएंगे देन हम उसके पार्ट्स को समझाएंगे, ठीक है, होल टू पार्ट। अब इसकी जो फ्रेम स्ट्रक्चर है वो क्या है, डेमोन्स्ट्रेशन, प्रॉम्प्ट्स एंड रिलीज। So, ये कैसे होगा, तो मान लीजिए मैं एग्जाम्पल लेके चल रही हूं, मैंने ये एग्जाम्पल लिया कि इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। सो मैंने बच्चे को पूरा का पूरा पहले क्या समझा दिया, मैंने ये किया, ठीक है जी, ये हो गया ये, ठीक है। अब ये क्या हुआ, मैंने बच्चे को ये करके दिखा दिया, तो ये क्या हो गया, डेमोन्स्ट्रेशन। आपने कुछ समझाया नहीं, कुछ नहीं किया है, आपने सिर्फ ये डेमोन्स्ट्रेट कर दिया। अब आपने क्या किया, आपने ये चीज समझाने के बाद एक और एग्जाम्पल लिया कोई भी, ठीक है, ये चलो मैं इसी में ही बता देती हूं एक बार, कोई भी एग्जाम्पल लेके उन्होंने ये किया, हमने यहां पर लाके ये सिचुएशन छोड़ दी, ये बच्चे को खुद करना है, यानी हमने काम करने के लिए प्रॉम्प्ट कर दिया उसको, यानी ये दो स्टेप हमने करके दे दिए और थर्ड स्टेप अब उसको खुद करना है क्योंकि पहले हम डेमोन्स्ट्रेट कर चुके हैं, ठीक है जी। इसके बाद हम वापस से इसी में और फर्दर क्या करेंगे कि 25 25 125
ये एंड डन। तो हमने ये स्टेप भी छोड़ दिया, ये स्टेप भी छोड़ दिया, दोनों स्टेप अब स्टूडेंट को या बच्चे को कंप्लीट करने हैं। और लास्ट में हम क्या करेंगे, जब हम ये कंप्लीट देके छोड़ देंगे ना, तो वो क्या हो गया, रिलीज कर दिया हमने कि यहां से हमने डेमोन्स्ट्रेट किया, देन हमने प्रॉम्प्ट किया, उसको उकसाया उस चीज के लिए थोड़ा थोड़ा समझने के लिए कि वो खुद करके देखे कुछ एक पार्ट्स को, देन लास्ट में हमने रिलीज कर दिया कि अब वो पूरी की पूरी प्रॉब्लम को खुद सोल्व करेगा। ठीक है जी। सो ये रहेगा डेमोन्स्ट्रेशन, प्रॉम्प्ट्स और रिलीज। कई बार पूछ लिया जाता है कि डेमोन्स्ट्रेशन, प्रॉम्प्ट और रिलीज जो है किसके स्टेप्स हैं या कहाँ यूज होते हैं। सो ये मैथेटिक्स में यूज होते हैं, मैथेटिक्स जब हम प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन करते हैं। दो टाइप के फ्रेम की भी बात होती है यहाँ पे, एक डेमोन्स्ट्रेशन फ्रेम, एक प्रिस्क्रिप्शन फ्रेम। डेमोन्स्ट्रेशन में हम करके दिखा रहे हैं, प्रिस्क्रिप्शन में हम अगले इंसान को प्रिस्क्राइब करके समझा के खुद कोशिश करेंगे कि वो खुद उन चीजों को करे। ठीक है। रिस्पॉन्सेज जो है वो स्ट्रक्चर्ड होंगे एंड रिस्पॉन्सेज आर डिटरमाइंड बाय प्रोग्रामर। तो जो प्रोग्राम को डिटरमाइन कर रहा है, जो समझा रहा है, जो टीचर है, वो जो है इनको क्या करेगा, रिस्पॉन्सेज को एक स्ट्रक्चर्ड वे में लेके आएगा। कंप्लीशन ऑफ टास्क जब होगा तो एक रेनफोर्समेंट मिलेगी कि हम कर सकते हैं, एक मोटिवेशन मिलेगा, इसीलिए ये रेनफोर्समेंट थ्योरी की एप्लीकेशन भी हम इसको बोल देते हैं। रॉन्ग रिस्पॉन्सेज जो है उनको इग्नोर किया जाएगा ताकि वो, क्योंकि जो एरर वो करेंगे, गलती जो करेंगे, वो डिस्क्रिमिनेशन में हेल्प करेगा, लर्निंग में हेल्प नहीं करेगा, ये ध्यान रखना है। सो वो डिस्क्रिमिनेशन में हेल्प कैसे करेगा कि हमें समझ आ जाएगा कि अच्छा ऐसे नहीं करना है। ठीक है जी। फिर इट्स मेन पर्पज इज टू डेवलप मास्टरी ऑफ द कॉन्टेंट। तो मास्टरी डेवलप करना है कॉन्टेंट के ऊपर। मेन फोकस किसके ऊपर होता है, मैथमेटिक्स और ग्रामर के ऊपर होता है। जैसे मैथमेटिक्स का एग्जाम्पल मैंने आपको ये बताया कि कैसे हम इसमें चेन रिवर्सल प्रोसेस को यूज करेंगे, और सेम ग्रामर में भी हो सकता है कि मान लो आपने टेंस सिखाए बच्चे को, और आपने टेंस का पूरा एक तो सेंटेंस बना के दिखा दिया, फिर आपने ब्लैंक्स दे दिए, फिलिंग द ब्लैंक्स की हेल्पिंग वर्ब भरनी है, फिर हमने क्या किया, कंप्लीट जो है सेंटेंस बच्चे को बनाने के लिए दिया। सो वो क्या है कि हम रिवर्स चेनिंग का जो प्रोसेस है वो यहाँ पे मेजर फोकस मैथमेटिक्स और ग्रामर पे देखने को मिलेगा। हायर क्लासेस के लिए ये ज्यादा यूजफुल होता है क्योंकि वहां कॉम्प्लेक्स और डिफिकल्ट टास्क होंगे, तब हम वहां पे रिवर्स जो है वहां चल सकते हैं। Useful for developing concepts of mathematics and grammar. Distance education के लिए भी इसको use किया जा सकता है। ठीक है जी। Advantages की अगर हम बात करें तो task oriented program है। Results can be linked to concrete goals which we intend to achieve through a mathematic program. So results को जो है आप जो particular concrete goal है abstract की बजाय concrete goal से link करके देख सकते हैं कि हाँ वो चीज बच्चे को आई या नहीं आई। ये किस पे स्ट्रेस करता है, ये 90-90 के क्राइटेरिया पे स्ट्रेस करता है, यानी कि 90% जो है वो चीजें सही रहेंगी। तो मास्टरी को मोटिवेट करता है, मतलब मास्टरी लेवल को एनहेंस करने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये क्राइटेरिया ही मास्टरी लेवल का हमने दे दिया। तो हमने क्राइटेरिया, नॉर्म, रेफरेंस, ये चीजें पढ़ी हुई है ना। सो क्राइटेरिया यहाँ पे क्या रहा, 90-90 का क्राइटेरिया रहा, जो कि अगर कंप्लीट होता है तो लर्नर को मोटिवेट करेगा। इट यूटिलाइजेस द प्रिंसिपल ऑफ बैकवर्ड चेनिंग। तो रिवर्स चेनिंग जो है ये प्रोसेस यूज करता है, रेलेवेंट है, सिग्निफिकेंट है और मीनिंगफुल है, वैलिड इन द आईज ऑफ लर्नर एंड प्रोग्राम। तो दोनों के लिए ही हेल्पफुल है। प्रोग्रामर जो है उस तरीके से रिस्पॉन्सेज लेना चाहेगा, और बच्चे को समझ आता है तो वो इजीली आपको समझ पता चल जाएगा कि रेलेवेंट है, समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। हर चीज की लिमिटेशन या डिसएडवांटेजेस होती हैं। लिमिटेशन क्या है कि मेन फोकस सिर्फ मास्टरी ऑफ कंटेंट पे है, ना कि लर्नर का बिहेवियर चेंज करने पे। तो लर्नर के बिहेवियर में मॉडिफिकेशन की बात नहीं कर रहा है ये सिर्फ कंटेंट की मास्टरी की बात कर रहा है। रेट्रोग्रेसिव चेनिंग ऑफ स्टिमुलाई इफ नॉट इफेक्टिव फॉर टर्मिनल बिहेवियर। सो ये रेट्रोग्रेसिव चेनिंग को, यानी वो ये रिवर्सल चेनिंग का जो प्रोसेस है उसको यूज करता है, उसके ऑब्वियसली कहीं ना कहीं क्या रहेंगे, डिसएडवांटेजेस भी रहेंगे। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डेवलप रेट्रोग्रेसिव लर्निंग पैकेज। तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा ईजी नहीं होता। एक तो हम बच्चे को ये समझा रहे हैं कि यहाँ से पहले स्टेप से समझा रहे हैं कि 5-5 का मल्टीप्लाई करेंगे, 25 आया, 2 जो है वो कैरी चला गया, 5-2 जो 10 आके 2। सो वो चीज़ हम उसको समझाएं, एक हम कंप्लीट करके दिखा रहे हैं और लास्ट स्टेप उसके लिए छोड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं डिफिकल्टी बढ़ेगी। टेक्निकल है नेचर में एंड सच एज डिमांड्स लोड, क्या डिमांड करता है, स्किल्स, ट्रेनिंग और लेबर ऑन द पार्ट ऑफ प्रोग्रामर। तो प्रोग्रामर को या टीचर को इसमें ज्यादा जो है रोल प्ले करना पड़ेगा और उनकी ज्यादा मेहनत यहाँ पे आपको दिखेगी। इट इज नॉट सुटेबल फॉर लर्निंग द मटेरियल ऑफ ऑल सब्जेक्ट। सभी सब्जेक्ट्स को नहीं समझा सकते। हमने बताया आपको कि मैथमेटिक्स और ग्रामर पे ज्यादातर फोकस रहता है। मैथमेटिक्स कांट बी यूज्ड फॉर फैक्चुअल कंटेंट। तो ये तो क्या था, लॉजिकल था कि उल्टा चल रहे हैं आपकी, पहले ये हुआ था, फिर ये, इस तरीके
से, बट यहाँ पे क्या है, फैक्चुअल कंटेंट में हम यूज नहीं कर पाएंगे. इट इज नॉट बेस्ड ऑन एनी साउंड लर्निंग थियरी, तो किसी भी पर्टिकुलर लर्निंग थियरी के ऊपर बेस्ड ये है नहीं. सो ये इसकी लिमिटेशंस रहेंगी. सो आई होप आपको मेथेडिक्स प्रोग्राम जो है वो समझ आया होगा कि कैसे ये जो प्रोग्रामड इंस्ट्रक्शंस होती हैं आप उनको कैसे यूज करेंगे प्रैक्टिकल लाइफ में. और जो जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए थे बीच बीच में उनको याद रख लीजिएगा. दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे. अगर कुछ समझ नहीं आया है सो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिए. अगर समझ आ गया है और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इनकलकेट लर्निंग को सब्सक्राइब कर दीजिए. ठीक है जी, दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बी हैप्पी एंड कीप स्माइलिंग.